अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो इज़ अगेन ऑन DHA वैली। मैंने अभी रिसेंटली भी एक DHA वैली इस्लामाबाद के ऊपर वीडियो डाली थी रीबैलेटिंग से रिलेटेड। बिफोर वी स्टार्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं एंड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास फ़ौरन पहुँच सके। DHA वैली ने अभी कल जो रीबैलेटिंग थी जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाली थी कि 23 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है रीबैलेटिंग, वो उन्होंने कर लिया है। उसका रिज़ल्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दिया है। ये DHA इस्लामाबाद की वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पॉपअप आ जाएगा जिसमें ये आ जाएगा आपके सामने कि रीबैलेट वन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड, क्लिक हेयर टू चेक द रिज़ल्ट। बिफोर वी क्लिक हेयर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखें, इसका नाम उन्होंने Reballot-1 रखा है, विच मीन्स कि ये फेजेस में मज़ीद इसकी बैलेटिंग होगी। जिन लोगों का Reballot-1 में फाइल आ गई है गुड इनफ, ये पोजेशन लेटर उन्हें दे देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। और जिन लोगों की नहीं आई, डोंट बी डिसहार्टेड, आप ये नेक्स्ट फेज़ में आई एम क्वाइट होपफुल के सरचार्ज वाइज जिनके थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज हैं उनको नेक्स्ट फेज़ में अकोमोडेट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 to 6 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट बैलेट जो है उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, मे बी मार्च से लेके जून के इन बिटवीन एट सम पॉइंट। और उसमें एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद लोगों को पोजेशन दिया जाएगा। अभी इन्होंने तकरीबन 5,000 लोगों के लिए बैलेटिंग की है और उनको प्लॉट्स अलॉट किए हैं। अभी इस पे को ऑफिशियल मैप कुछ भी नहीं आया। अभी आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल के एंटर भी करेंगे, ये जो आपका फ़ाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके फॉर्म पे होगा DYA, DYO या DYI। ए प्रॉबली आर्मी का है, ओ इज़ ओवरसीज़, आई जो है वो इंडिविजुअल हैं जो कि नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके लिए। तो आपकी जौन सी भी फाइल है आप रजिस्ट्रेशन नंबर इधर एंटर करके जब सर्च करेंगे तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या फ़ाइल का स्टेटस है, इस बैलेट में आप आए हैं कि नहीं। मज़ीद बैलेटिंग होगी, इसका एंड रिज़ल्ट ये है, जिनकी फ़ाइल्स बैलेट में आ गई हैं प्लॉट्स मिल जाएंगे उनको, उनकी प्राइसेस विल ऑफ कोर्स इम्प्रूव। जिनकी बाकी फ़ाइल्स रह गई हैं, नेचुरली जब प्लॉट्स मिलना शुरू हों प्राइसेस ऊपर जाएँ तो उन फ़ाइल्स की भी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। आई वुड से कि आप इतना अरसा जहाँ आपने वेट किया है, 3 to 6 मंथ्स होल्ड ऑन टू योर फाइल्स, थोड़ा और वेट करें। कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ भी मज़ीद ये लोग देंगे कि कब मज़ीद बैलेट करेंगे। और बिसाइड्स दैट, जो दूसरी अच्छी चीज़ है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी ही जाएंगी बिकॉज पोजीशन देना शुरू कर दिया है, तो फाइल प्राइसेस उसके साथ इंक्रीज होंगी। सो वेबसाइट पे जाके जिन लोगों ने नहीं चेक किया वो चेक करें। रीबैलेटिंग हुई है, अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि रीबैलेट कर दिया गया है, वो अभी तक किसी सोच में है कि जो पहले इनके ब्लॉक्स थे ब्लू बेल में, ओलियंडर में, ग्लेक्सोनिया में प्लॉट्स थे, वो हमारे शायद वही चल रहे हैं। नो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके चेक करें कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या अनसक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कॉल करें DHA को उनके फ़ोन नंबर के ऊपर और उनको अपनी जो डिपॉज़िट स्लिप्स हैं उनकी रिसीट्स उन्होंने कॉपीज़ भेजनी है ताकि वो पेमेंट वेरीफाई करें, उसके बाद वो आपको पोजेशन लेटर देंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, यू कैन फील फ्री टू कांटेक्ट मी थ्रू ईमेल, फ़ोन नंबर्स आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, वरना नीचे वीडियो के कमेंट्स वाले सेक्शन में मेरी सारी डिटेल्स हैं। लेट मी नो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अगेन आई वुड से कि आप अपनी फाइल्स रोक के रखें एंड जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कुछ बाइंग भी करना चाहें तो आप ज़रूर करें इसके अंदर बाइंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें।